हाय गाइस, वेलकम टू मोटर गैराज यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं उसमें हमारे पास है LC 200, जिसको हम LC 300 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 2014 मॉडल है, इसका पूरा लुक हमारा जो चेंज होने वाला है वो LC 300 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको पूरा फ्रंट हमारा चेंज हो रहा है, बोनेट, फेंडर्स, लाइट हम चेंज कर रहे हैं, फ्रंट का बम्पर, अंदर की काफ़ी सारी फिटिंग्स है वो हम चेंज कर रहे हैं, और इसका रियर भी हमें चेंज करना है अभी। सो अभी आपको मैं लुक दिखाता हूँ कि ये चेंज होने से पहले कैसा है। मार्केट में दो तरीके की किट अवेलेबल होती है, एक है जिसमें LC 200 टाइप की ही लाइटें हैं, एज इन शेप ऑलमोस्ट यही है, और उसमें अंदर जो हमारा पूरा जो प्रोजेक्टर शेप है और जो सारी DRLs है वो 300 शेप में कन्वर्ट कर देगी है। बट हमारी जो किट है उसमें लाइट की जो पूरी शेप है वो भी 300 में ही कन्वर्ट हो रही है, और रियर टेल लाइट में भी ऐसे है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बाकी सारी किट्स हैं उसमें वो पेस्ट होके थोड़ा जुगाड़ से लगते हैं, बट हमारी किट में आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर फिटमेंट के साथ आने वाली है। तो अभी फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया पूरा, अभी आते हैं पीछे। सो पीछे से आप देखोगे ये गाड़ी 2014 है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है, फेसलिफ्ट कर रखी है पहले भी, तो अभी हम इसको 300 में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी टेल लाइट्स हम लोग चेंज कर रहे हैं, हमारी डिग्गी चेंज होने वाली है, हमारा रियर बम्पर चेंज होने वाले है। टेल लाइट के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत फैब्रिकेशन भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो टेल लाइट है वो ओरिजिनल फिटमेंट में आ सके, वो यहाँ पे प्लास्टिक के पार्ट वार्ट लगा के वो जुगाड़ ना करना पड़े। तो उसके लिए हम लोग गाड़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे पूरी, और उसके बाद इसका पेंट करेक्शन सारी चीज़ हम लोगों को करनी है। तो अभी आपने गाड़ी देख ली है, और अब जब ये गाड़ी रेडी होती है आगे इसमें क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे काम होता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि सारी चीज़ आप देख सको कि एक्चुअली मॉडिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई, बोनट हमारा चेंज हो गया, ग्रिल हमारी चेंज हो गई, हेडलाइट, फिन्स, सारी गार्निश, फोग लैम्प, फ्रंट के फेंडर्स, बम्पर, सारी क्लैडिंग सब कुछ चेंज हो गया। सो मार्केट में अभी जो किट है वो दो किट अवेलेबल है, जिसमें LC 200 की लाइट्स आप देखोगे तो थोड़ी बड़ी है इससे साइज में, तो वो LC 200 की शेप की ही लाइट होती है, जस्ट अंदर का डिज़ाइन 300 के जैसा कन्वर्टेड है। बट जो हमने किट लगाई है उसमें लाइट भी चेंज है, लाइट का जो साइज़ है वो ओरिजिनल 300 वाला ही साइज़ है, वो बड़े वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, वो अलग ही पता चल जाता कि कन्वर्टेड गाड़ी है। तो उसके लिए हम लोगों ने लाइट जो है वो LC 300 वाली ही यूज़ करी है। तो फ्रंट का आप लुक देखोगे कि जितना पहले ब्रॉड था अब उससे भी ज़्यादा ब्रॉड है, फ्रंट का जो हमारा लुक है वो बिल्कुल फ्लैट लुक आ गया है, और बोनेट आप देखोगे तो इसका हल्का सा स्लोप आता था, अब एकदम स्ट्रेट बोनेट आता है, और गाड़ी पहले से बहुत बड़ी दिख रही है भाई, बहुत अल्टीमेट दिख रही है गाड़ी। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने रियर से इसमें क्या क्या कन्वर्ट किया है। ये तो पूरा फ्रंट का लुक आप देखो, अभी रियर से भी दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज है। सो ये वाला पार्ट जो हमारा था, ये LC 200 का जो लाइट का शेप है वो थोड़ा अलग है। सो ये पार्ट हमने इतना पार्ट इसका ट्रिम करा है, ट्रिम करके एक नया पीस आता है, जो कि नया पीस हमने इसमें पूरा मिग वेल्ड से कट वेल्ड करके पूरा पुट्टी वगैरह से बना के पूरा पीस रेडी किया है, जिससे कि जो टेल लाइट है टेल लाइट की शेप बिल्कुल एग्जैक्ट आ सके, बिल्कुल LC 300 वाली। और जो दूसरी किट है मार्केट में उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे ये प्लास्टिक का जो पार्ट है वो सेपरेट है, बट हमारी किट के अंदर ये बम्पर पूरा ऊपर तक जाता है। दूसरा जो हमारा डिग्गी वाला जो पीस है, क्योंकि हमारी डिग्गी भी पूरी चेंज होती है इसमें, तो ये वाला जो पीस है दूसरी किट में आप देखोगे तो ये जो पार्ट्स है ये तीन पार्ट्स में, एक, दो और ये तीसरा पार्ट, बट हमारे वाली किट में ये पूरा कंप्लीट आता है।
तो ये भी हमारा चेंज हो गया, टेल लाइट हमारी चेंज हो जाती है, ये लोगोज इसके नए आ जाते हैं, रियर का बम्पर हमारा नया आ गया, सारी क्रोम गार्निश सब कुछ पूरा चेंज हो चुका है। तो गाड़ी का जो लुक था वो पहले के मुकाबले बिल्कुल ही अलग हो गया, जितना पहले था उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अभी कुछ सिनेमैटिक शॉट देखो और देखो गाड़ी क्या अच्छी चीज़ बनी है। खत्म कर दे बस।